मलाड आरपीएफ की एक विशेष टीम ने 35 से ज्यादा संदिग्धों पर सीसीटीवी की मदद से की कार्यवाही। मलाड आरपीएफ के निरीक्षक सतीश कुमार ने सीनियर के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम बनाई जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने का काम करती है। यह विशेष टीम संदिग्ध दिखने वाले लोगों पर सीसीटीवी की मदद से निगरानी करती है और होने वाली घटनाओं पर रोक लगाती है। अब तक 35 से ज़्यादा पर्स और मोबाइल चोरों पर कार्रवाई हो चुकी है। 9 नवंबर 2019 को एक व्यक्ति की शिकायत थी कि उसका मोबाइल मलाड प्लेटफॉर्म पर ही चोरी हो गया, जिसके बाद विशेष टीम ने सीसीटीवी की मदद से जाँच पड़ताल की, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर मलाड आरपीएफ ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी काशीनाथ मरियप्पा कट्टीपुड़ी जो अंधेरी पश्चिम पूजा नगर झोपड़पट्टी का रहने वाला है, आरपीएफ ने आरोपी को बोरिवली जीआरपी को सुपुर्द कर दिया जो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। यही नहीं, यह विशेष टीम प्लेटफॉर्म और ट्रेन में आम पब्लिक की तरह गश्त कर संदिग्धों को निगरानी करती है। स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है और भीड़ भाड़ का फायदा उठा के कभी कभी कुछ संदिग्ध व्यक्ति मोबाइल और पर्स इत्यादि चोरी कर लेते हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए हमारे श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त एसआर गांधी साहब ने इसमें विशेष कार्रवाई के आदेश दिए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मलाड गोरेगांव स्टेशन पर एक टीम बनाई है, जिसमें कुछ विशेष ब्रीफिंग करके स्टाफ को तैनात किया गया है। इस स्टाफ द्वारा लगातार स्टेशन पर निगरानी करके और उनको ऐसे लोगों को पकड़ के कार्रवाई की गई है। अभी दिनांक 9/11/19 की घटना है, जिसमें एक मोबाइल चोरी हुआ और यात्री आरपीएफ थाने पे आके उन्होंने अपनी शिकायत बताई कि उनका मोबाइल किसी ने निकाल लिया, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और फुटेज में प्लेटफॉर्म नंबर 2 मलाड पे उस यात्री के पीछे आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसको आइडेंटिफाई किया गया, उसके फुटेज निकाले गए और वो फुटेज सभी स्टाफ को शेयर किए गए। टीम ने उसको गंभीरता से लेते हुए उसको निगरानी रखी स्टेशन पे। 2 दिन बाद वही संदिग्ध व्यक्ति दोबारा मलाड स्टेशन पे घूमता दिखाई दिया, जिसको टीम ने पहचान की और उसका पीछा किया। जब उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध लगी तो मलाड और राम मंदिर स्टेशन के बीच उसको गाड़ी में से पकड़ के पोस्ट पे लाए, पूछताछ की, जिसने वो मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। बाद में अग्रिम जांच कार्रवाई है तो उसको जीआरपी बोरीवली को सुपुर्द किया गया, जिस संबंध में जांच कर रही है। हाँ, संभावना है कि उसने इस तरह की घटनाएं पहले की होगी। इस संबंध में अधिक अभी जाँच जीआरपी बोरीवली द्वारा की जा रही है।